द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग के हाथों में अब एक की बजाय दो बेन रिंग आ जाती हैं। अब टियानमिंग जब नेक्स्ट डे कल्टीवेट करने के लिए जाता है तो मुयंग उससे कहते हैं, क्या तुम्हारा लाइफ स्पेन अभी तक खत्म नहीं हुआ है? मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने रिंग्स तुम्हारे पास होंगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। क्या इन रिंग्स की वजह से तुम्हारी बॉडी में कोई इफेक्ट पड़ा है? क्या तुम्हें कहीं पर दिक्कत हो रही है? अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, नहीं एक्चुअली अब मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है पहले से। ये रिंग्स जो हैं, वो मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में मदद कर रही हैं। ये सुनकर मुयंग कहते हैं, ठीक है हम इसके बारे में कल बात करेंगे, अभी प्रैक्टिस करना शुरू करो। तुम्हें अभी भी स्पेक्ट्रल डांस की मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी को आज समझना होगा। अब टियानमिंग हेवंस मिरर की तरफ जाते हुए कहते हैं, ठीक है चलो देखते हैं कि क्या एक एक्स्ट्रा रिंग मुझे आज ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकती है या नहीं। अब टियानमिंग स्पेक्ट्रल डांस को प्रैक्टिस करता है। अब तीसरा दिन आ जाता है। टियानमिंग जैसे ही हेवंस मिरर पे अपनी शक्ल को देखता है तो वो कहता है, मेरे बालों का कलर बिल्कुल वैसे हो गया है जैसे कि मॉम के बालों का कलर हुआ करता था, और मेरे हाथों पे एक और रिंग जो है वो अपियर हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब मुयंग टियानमिंग से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हें तो लाइफ पेन की सिम्टम नहीं है, लेकिन तब भी तुम उसके बेनिफिट्स उठा पा रही हो। ये सुनकर टियानमिंग कहते हैं, मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा रिंग जो है वो मेरी कल्टीवेशन स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा देती है। अब मुयंग टियानमिंग से कहते हैं, जो रिंग्स और तुम्हारे बालों का कलर है वो तो सिर्फ बाहर के चेंजेस हैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चेंज हो रहा हो ये किसी को नहीं पता। ना केवल तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड इंक्रीज हुई है, तुम्हारी हेवेंस एंड अर्थ के स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करने की एबिलिटी भी बदल चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारे समझने की एबिलिटीज भी इम्प्रूव हो चुकी हैं। मुझे नहीं पता है कि तुम वीकविंग की तरह उन्हें सिम्टम्स को सफर करोगे जो कि तुम्हारी मॉम ने 20 सालों तक किए थे। अब टियानमिंग कहता है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अभी किसी भी सिम्टम को फील नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करूंगा। अब टियानमिंग स्पेक्ट्रल डांस को परफॉर्म करता है जिसे देखकर मुयंग हैरान हो जाते हैं, एंड वो कहते हैं वो इस चीज को समझ चुका है। ऐसा लगता है कि रिंग्स ने उसके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके टैलेंट को भी इंक्रीज कर दिया है, ये वही फीलिंग है। अब टियानमिंग कहता है, मैं फाइनली समझ चुका हूँ, चलो चलते हैं। अब तभी फिनिक्स वहाँ पर समन होता है एंड टियानमिंग से कहता है, तुम सच में कचरा हो, तुमने स्पेक्ट्रल डांस को सीखने में काफी ज्यादा समय ले लिया है, अब जल्दी करो और दूसरे स्टांसेस को भी सीखो। अब ये सुनकर टियानमिंग उसे गुस्से में आकर कहते हैं, तुमसे किसी ने राय ली है क्या? अब तभी मुयंग अपने सर पर हाथ रखते हैं एंड कहते हैं, लगता है कि असली जीनियस एक चिकन है। अब चौथा दिन आ जाता है। टियानमिंग के हाथों में चार रिंग्स आ जाती हैं। ये देखकर वीकविंग उसे कहती हैं, तुम्हारे पास अब मेरे से एक रिंग ज्यादा है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, ऐसा लगता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब मुयंग जैसे ही टियानमिंग के हाथों पे चार रिंग्स को देखते हैं तो वो कहते हैं, चार रिंग्स, चलो आज सोल एक्सटेंशन को प्रैक्टिस करो। अब ये सुनकर टियानमिंग कहते हैं, ठीक है ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही इसे मास्टर कर लूंगा। अब पांचवा दिन आ जाता है एंड टियानमिंग के हाथों में पांच रिंग्स आ जाती हैं। ये देखकर टियानमिंग शॉक हो जाता है और फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, पांच रिंग्स, कल से तुम्हारे पास एक रिंग और ज्यादा हो गई है। अब तभी जेनेसिस कहता है, अब तुम्हारे पास छह रिंग होने से सिर्फ एक रिंग कम है। अब छठा दिन आ जाता है। टियानमिंग अपने हाथों पे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके राइट हैंड पे अभी सिर्फ पांच ही रिंग्स हैं। अब ये देखकर टियानमिंग कहता है, लगता है कि ये खत्म हो चुका है, मेरे पास एक और रिंग अपीयर नहीं हुई। अब तभी फिनिक्स टियानमिंग से कहता है, इतनी जल्दी कॉन्क्लूजन्स पे मत पहुंचो, मेरे लेफ्ट विंग एंड म्याओ म्याओ के लेफ्ट हाथ पर छठा तिल आ चुका है, इसलिए तुम्हें भी अपने लेफ्ट आर्म को चेक करना चाहिए। अब जेनेसिस कहता है, क्योंकि आपका हाथ ब्लैक है इसीलिए जो ब्लैक रिंग है वो आपको सांप से नहीं दिखाई दे रही होगी। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे लेफ्ट आर्म पर भी आ चुकी है। अब जैसे ही टियानमिंग अपने लेफ्ट आर्म पे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके लेफ्ट आर्म पर एक और रिंग आ चुकी है। ये देखकर टियानमिंग कहता है, अरे नहीं, जैसा कि मैंने सोचा था ये ब्लैक कलर के साथ इतनी ज्यादा मिल गई कि मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मुझे ये मत कह देना कि मेरे इस हाथ पर भी पांच रिंग्स आएंगी, अगर ऐसा होता है तो ये स्वर्ग विरोधी होगा, मैं पिछली बार से 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। अब 10वां दिन आ जाता है। टियानमिंग के दोनों हाथों पे पांच पांच रिंग्स आ जाती हैं। अब टोटल उसके पास 10 बेन रिंग्स हो जाती हैं। टियानमिंग खुद से कहता है, ये मानना नामुमकिन है। अब जैसे ही वीक विंग
टियानमिन के हाथों पे 10 रिंग्स को देखती है तो वो कहती है, तुम्हें पता है ये काफी ज्यादा कूल है, तुम्हारे पास अब मेरे से 7 गुना ज्यादा रिंग्स हैं। ये सुनकर टियानमिन कहता है, मॉम मुझे पता है कि गिनती कैसे करते हैं। आप मुयंग जैसे ही टियानमिन के 10 रिंग्स के बारे में जानते हैं तो वो कहते हैं, सच में तुम अब एक मॉन्स्टर बन चुके हो, अब तुम डिमाइस ऑफ हेवन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुनकर टियानमिन कहता है, जी हाँ। अब टियानमिन डिमाइस ऑफ हेवन को प्रैक्टिस करता है। ये देखकर मुयंग कहते हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग था, अगर टियानमिन को लाइफ स्पेन नहीं भी होता तब भी वो शाउटिंग से ज्यादा टैलेंटेड होता, लेकिन अब 10 रिंग्स के साथ वो काफी ज्यादा डरावना हो चुका है, उसकी पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद अब ली टियानमिन विल ऑफ गॉड्स को समझ पाएगा एंड उसे भी पार कर पाएगा, तब जाकर डिमाइस ऑफ मैन अर्थ एंड हेवन की ट्रू पावर को दिखा पाएगा। अब 11वां दिन आ जाता है, टियानमिन अपने दोनों हाथों पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथों में अब कोई और रिंग नहीं आई है। ये देखकर टियानमिन कहता है, मेरे हाथों पे अब और ज्यादा रिंग्स नहीं आई है, मुझे लगता है कि मेरे हाथों पे सिर्फ 10 रिंग्स ही आ सकती थी। अब तभी वीकिंग वहां पर आती है एंड टियानमिन से कहती है, टियानमिन तुम्हें लाइटनिंग मेनर की तरफ से एक इन्विटेशन आया है। ये सुनकर टियानमिन कहता है, आखिर ये किस तरीके का इन्विटेशन है मॉम? अब वीकिंग टियानमिन को बताते हैं, ये लिन शाउटिंग एंड यूलिंग जी की वेडिंग का इन्विटेशन है, तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, वो शायद तुम्हें सिर्फ परेशान करेंगे। अब ये सुनकर टियानमिन कहता है, नहीं मैं वहां पर जरूर जाऊंगा, किसे पता कि कौन किसे परेशान करेगा, वो दिन सच में काफी ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन ये शादी 3 दिन बाद होने वाली है, अब समय आ चुका है शाउटिंग के साथ बदला लेने का, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हम लाइटनिंग मैनर को देखते हैं जहाँ पर पटाखे फूट रहे होते हैं, शहनाइयाँ बज रही होती हैं। अब यूलिंग जी एंड शाउटिंग की शादी हो रही होती है, काफी ज्यादा लोग उनकी शादी को अटेंड कर रहे होते हैं। अब हम टियानमिन को देखते हैं जो कि यूलिंग जी की तरफ देखकर कहता है, ऐसा लगता है यूलिंग जी यूनिटी स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब हम मूकिंग पिंक को देखते हैं जिसकी शक्ल काफी ज्यादा खराब दिख रही होती है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, वो अभी भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं होती। अब दूल्हा एंड दुल्हन को ब्राइडल चैम्बर्स में जाने के लिए कहा जाता है। अब शाउटिंग एंड यूलिंग जी ब्राइडल चैम्बर में जाते हैं। यूलिंग जी को शाउटिंग कहता है, अब से मेरा दिल जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा बचाऊंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चलो हमारे जीवन के इस रास्ते पर मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हुए हम कभी भी नहीं पछताएंगे एंड इस चीज को हम कल्टीवेशन और बैटल में भी फॉलो करेंगे। अब ये सुनकर यूलिंग जी शाउटिंग के कंधे पर अपना सर रखती है एंड कहती है, मैं अपनी बची हुई जिंदगी को सिर्फ आपके साथ जीना चाहूंगी। अब ये सुनकर शाउटिंग कहते हैं, चलो अब चलते हैं एंड अपने गेस्ट को ग्रीट करते हैं, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। अब वो दोनों खड़े होते हैं एंड सभी गेस्ट को ग्रीट करने के लिए जाते हैं। अब तभी मूकिंग क्विंग शाउटिंग की तरफ देखती है एंड उसका नाम पुकारती है। अब जैसे ही शाउटिंग मूकिंग क्विंग की तरफ देखता है तो वो कहता है, ओ ये तो तुम हो मूकिंग क्विंग। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज इनको सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपने फैमिली का ख्याल रखना, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माता नहीं।